हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं निनुआ और प्याज की चटपटी और बेहद ज़्यादा स्वादिष्ट सी सब्जी। इसके लिए हमने 1.5 किलो निनुआ लिया हुआ है, 1.5 किलो। और निनुआ को हमने एकदम गोल गोल पतली पतली शेप में कट किया हुआ है। और इसके साथ ही इसमें हम प्याज डालने वाले हैं। और इसमें हम 1.5 किलो निनुआ में 0.5 किलो प्याज डालेंगे। और प्याज को एकदम लंबे लंबे मोटे शेप में हमने कट किया हुआ है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ये सब्जी एकदम मीठी, चटपटी, स्वादिष्ट, टेस्टी, सारा ही फ्लेवर आपको इसमें मिलेगा। और इसमें 1/2 कप हमने काला चना भी लिया हुआ है, और इसको भिंगो करके रात भर हमने छोड़ा था। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये सब्जी बन करके तैयार होगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, एक एक स्टेप को फॉलो करिएगा, आपकी निनुआ की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। 1/2 छोटी चम्मच पचफोरन छौंक में, फ़ोरन को अच्छे से लाल होने देंगे। और सबसे पहले प्याज को डालेंगे। प्याज को हम डाल करके हाई फ्लेम करके, प्याज को हम कलर इसका बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, हल्का हल्का इसको भुनेंगे। और हल्का सा कच्चापन ही रहेगा निनुआ प्याज की सब्ज़ी में, अगर प्याज थोड़ा कच्चापन रहता है तो अच्छा लगता है। तो चलिए मसाले का पेस्ट रेडी कर लेते हैं। उसके लिए 2 बड़ी चम्मच धनिया, 1 बड़ी चम्मच गोल मिर्च, 1 बड़ी चम्मच जीरा, और इसके साथ ही हम सूखी लाल मिर्च और अदरक डालेंगे। तीखा के अनुसार आप लाल मिर्च ले लीजिए, ये मिर्च तीखापन और कलर दोनों ही देगा। और 1 बड़ी साइज की अदरक, इसके साथ ही 10 से 12 लौंग ले लीजिए और 1 इलायची। और इसमें और भी अच्छा फ्लेवर देने के लिए लहसुन की कुछ कलियाँ ले लें। और अब इसका हम मोटा सा पेस्ट बनाएंगे, एकदम गाढ़ा वाला पेस्ट, जो कि सब्जी में जाएगा तो हमारी सब्जी बेहद ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो ये देख सकते हैं, ये प्याज का फाइनल लुक है। और अब हम प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनने वाले हैं, हल्का फुल्का कलर चेंज हुआ है लेकिन प्याज अभी इसमें कच्चापन है। तो अब हम मसाले का जो पेस्ट तैयार किए हुए हैं वो इसमें हम डाल देते हैं। ये मसाले का पेस्ट जो गया सब्जी में, जो कि हमारी सब्जी को बेहद ज़्यादा स्वादिष्ट फ्लेवर देता है। और ये बहुत फ़ायदेमंद मसाले होते हैं, ये घरेलू मसाले जितने भी होते हैं। प्याज के साथ में हमें मसाले को अच्छे से कुक करनी है। अच्छे से कुक करने का मतलब, जब इसमें से बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आने लग जाए और साइड से जब तेल निकलने लग जाए, जितने भी ऑयल डाली होती है वो मसाले भुनने के बाद ऑयल निकलने लगता है, तो अगर ये चीज़ आपको होने लगे तो समझ जाइए कि मसाले आपके अच्छे से भुन चुके हैं। उसके बाद इसको जलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। थोड़े थोड़े देर पे इसको ऊपर नीचे करते रहें और आप देख सकते हैं कि तेल कितना अच्छे से निकला हुआ है हर तरफ से, और मसाले से बेहद ज़्यादा स्वादिष्ट और एकदम खुशबूदार है ये मसाला। और थोड़ा देर इसको हम भून लिए हैं। तो चलिए अब अच्छे से पक चुका है तो हम डाल देते हैं चना। और चना को भी हम प्याज और मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे, ताकि अगर चना की सब्ज़ी निकल बने तो ये ना लगे कि चना अलग है सब्जी से, सब्जी का कोई भी मसाला चने में ना आए, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम इसको भी इसके साथ अच्छे से भूनने वाले हैं। सब्जी को एकदम सेंटर में कर दिया रहता है, क्योंकि आँच भी सेंटर में पड़ता है और तेल भी सेंटर में होता है, इससे सब्ज़ी चिपकती नहीं है, जलती नहीं है और एकदम अच्छे से पक भी जाती है। अब हल्दी और नमक को भी ऐड कर देते हैं। 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी सी चम्मच से, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं। और स्वाद अनुसार नमक, हम सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं। और ये आप देख सकते हैं सेंधा नमक का लुक कुछ इस तरीके से है, क्योंकि ये जो सेंधा नमक है वो हम घर पे ही पीस करके तैयार करते हैं। जो ओरिजिनल जो सेंधा नमक आता है ना पहाड़ वाला, वो गोला गोला बड़ा बड़ा मिलता है, और उसको पीस करके हम घर में ही उसका पाउडर बनाते हैं। एकदम शुद्ध देसी चीज़ है, आपको सारी चीज़ें हमारे में मिलेगी हमेशा, हमारे वीडियो में हर चीज़ आपको देसी ही मिलता रहेगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा देसी चीज़ से कनेक्ट हैं। और ये सेंधा नमक बिल्कुल नुकसान नहीं करता है, इसीलिए हम लोग अपने खाने में हमेशा सेंधा नमक का ही प्रयोग करते हैं। अगर आप लोग भी करेंगे तो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, बीपी जैसी कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी जो कि आपके लिए हार्मफुल हो।
एकदम अच्छे से मसाले को पका लेते हैं। पिसे हुए जो मसाले होते हैं उसको बहुत ही अच्छे से पकाई जाती है, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इसका। तो चलिए अब हम इसे स्टेज पे डाल देते हैं नेनुआ। सारे नेनुआ को पहले थोड़ा थोड़ा डाल करके, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है सब्जी की, थोड़ा थोड़ा डाल करके ऊपर नीचे अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे। नेनुआ की एक से बढ़ के एक रेसिपी हमने अपने चैनल पे डाला है, जो कि हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है हमारे चैनल पे। नेनुआ की कलौंजी हो गई, नेनुआ प्याज की सब्जी हो गई, नेनुआ चना की सब्जी हो गई, नेनुआ की सूखी सब्जी हो गई, आलू नेनुआ टमाटर हो गया, हर तरह की सब्जी आपको मेरे चैनल पे मिलेगा, और वो भी बिल्कुल स्टेप वाइज। अगर आप नए हैं सब्जी बनाने के लिए, अगर आप नया नया जुड़ रही हैं खाना बनाने के लिए, और अगर आप मेरे चैनल पर सब्जी अगर आप देख लेंगी तो आप जब बनाएंगे तो कोई भी आपको नहीं कहेगा कि आपने अभी नया नया स्टार्ट किया है सब्जी बनाना, क्योंकि एक एक चीज़ हम बहुत स्टेप वाइज बताते हैं और हर चीज़ की क्वांटिटी बताते हैं और किस चीज़ को कितना भूनना है वो भी चीज़ें बताते रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। बना करके ज़रूर से देखें आप। ऊपर नीचे अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसको हम ढक देते हैं ताकि इसका पानी निकले और पानी से ये पकने लगे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम में। और ये 2 से 3 मिनट के बाद खोलने के बाद कुछ इस प्रकार से हो गया है, नेनुआ अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है, लेकिन अब हमको नेनुआ ढकना नहीं है। 2 से 3 मिनट पर्याप्त है, नेनुआ एकदम सॉफ्ट हो चुका है और बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसको हाई फ्लेम करके भूजेंगे और भूज करके जब एकदम सूखापन ये हो जाएगा तो गैस को ऑफ कर देंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे इसको चलाते रहिए और इसको एकदम सूखापन दे दीजिए ताकि हमारी चटपटी लाजवाब सी सब्जी का लुक दिखाई दे। और खाने में तो कोई दो राय नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, क्योंकि इसमें जो मसाले का प्रयोग हम किया है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। और लीजिए हमारी सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितना चटपटा सा, कितना ज़्यादा स्वादिष्ट सा लग रहा है। और इसको हम अच्छे से सुखा दिए हैं, हल्का सा इसमें रस्सापन छोड़ा है हमने ताकि एकदम सूखी सूखी सब्जी अच्छी नहीं लगती, हल्का सा रस्सापन रहता है तो वो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, एकदम लाजवाब सी। तो रेसिपी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर से बताइएगा, पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे हम नए वीडियो में।